इसमें काबू पाने का तरीका बड़ा बताया लोगों ने। एक तो ये जिन लोगों ने गुनाह से बचे ना उनके बाद ना सुन लो भाई गुनाह से कैसे बची है। कहता मुझे अपने बाप की इज्जत, बाप के साथ मेरी बड़ी मोहब्बत, और मुझे पता चला कि आखिरत के वक्त जो है ना इंसान एक्सपोज हो जाता है, सब उसके अमाल सब पर जाहिर हो जाते हैं, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरा कोई अमल मेरे माँ बाप पर जाहिर है। इसलिए और एक बड़ा अजीब और गरीब जो गुनाह था, एक आदमी ने बताया, अच्छा का रंगीन गुनाहगार आदमी था, एक दिन बैठे हुए थे, बड़े नेक हो गए, उससे पूछा आम दुनियादार था आदमी, पूछा भाई तू तो बहुत जरा कल तक रंगीन आदमी था, आज तो नेक हो गया, क्या बात है? कहते मुझे पीर मिल गई। तुझे पीर मिल गया? कैसे मिल गया? कहते पीर भी कामल मिल गया, मैंने तबा कर कौन मिल गया? कहते मेरे घर बेटी का जाओ गुनाह से बचा गया, घर में बेटी का पैदा होना उसे गुनाह से बचा, गुनाह से बंदे बचने की रहमत जो है ये उसका फजल बचाता है। गुनाह से कौन बचाता है? उसका फजल। और खैरात से बचता है और जिक्र इलाही से नफ्स जो है काबू आता है। जिक्र जैसे कहते हैं मतलब अल्लाह का जिक्र ना महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से गुनाह से रहमत है। दूसरा ऐसी महफिल या संगत जिसमें गुनाह का शूर पैदा हो वो संगत बदल दो। संगत के बदलने से गुनाह खुद मुखुद बदल जाता है और अपने लिए कुछ जवाब दो पैदा करो और वादा करो लगता है जब कभी माना करो तो अपनी सोई हुई औलाद के पास खड़े होकर रात को दुआ दे करो कि या रब्बुल आलमीन इन बच्चों की आफियत में ये चाहता हूँ कि मुझे गुनाह से बचा ताकि ये लोग आफियत में रहें, ऐसा हो कि मेरे तर्रे आयात पर ये चल निकले। बड़ी सी बात, दुआ करोगे दुआ में जरूर जाएगी या रब्बुल आलमीन मेरी औलाद को मेरे किसी गलत रवज से तू बचा, मैं तौबा करता हूँ तू तौफीक दे, इस प्रकार बंद रहो। तो ये औलाद जो है ना उसको बचाना है, हमने अपने आप को नहीं बचाना, क्या हम तो दोनों बर्दाश्त कर सकते ताकतवर लोग हैं ना हम तो, औलाद का मतलब बचाए फिर हम भी बच जाए। इसलिए गुनाह जो है एक ऐसी चीज है जिससे नदामत और बलामत के अलावा खतरा ये है कि औलादे हमारे ऊपर चीखे लगाने की बात में, इसलिए डैड तूने हमें क्यों ना बताया। क्या वो बुजुर्ग लोग बताते थे कि बेटी को जहाँ पर हम दहेज देते हैं ना माल दौलत का, हम एक और भी दहेज देते हैं कि बेटी तेरे आने के बाद हमने जिंदगी में अब कोई गुनाह नहीं किया, ये भी तेरे दहेज में खैरात बरकत बन के जाए, आप तेरे सलाते में आसानी रहेगी, तो ये मतलब उसको आसानी मिलेगी। सबसे बड़ी औलाद के लिए दुआ ये है कि अगर तुम खुदा के लिए देखी नहीं करते हो औलाद की कदर देखी करोगे तुम्हारी देखी औलाद पर एक रहमत साया बन कर उसके साथ साथ चले। औलाद को इस दस्ते पे हमारे से बचाना है, आपने इस धूप से बचाना है, इस सूरज की गर्मी से बचाना है, हिद्दत से बचाना है, समाज के मतलब आग से बचाना है, तुम्हारी दुआएं हैं औलाद से सारा और कोई चीज नहीं। इसलिए अपनी उम्र के गुनाह मतलब हो गए सो हो गए आप औलाद की खातिर लेके शुरू कर दो। सबसे बुरा गुनाह जो है मैंने आपको बताया था वो ये है कि बूढ़े आदमी के जवान गुनाह सबसे बुरा, अल्लाह की दुआ में सबसे बुरी चीज। बूढ़े आदमी का अगर जवान गुनाह जो है ना ये सबसे ज्यादा बुरी चीज। और गुनाह के अंदर जो है आप एक बार आसरा मांगो अल्लाह से और अल्लाह के महबूब की मोहब्बत मांगो, खुद बखुद ही गुनाह जो है ना आपको छोड़ दे, गुनाह से तौबा करते रहो, गुनाह के बाद तौबा करते रहो और संगत बदल लो, बुजुर्गों के साथ जाया करो और जिक्र इलाही में मशगूल हो जाओ, बातन का जिक्र कलमी जिक्र शुरू हो जाए, सुखी जिक्र शुरू हो जाए,
भूखा शुरू हो जाए, अल्लाह भूखा देकर शुरू हो जाए, तुम करते रहा करो, गुनाह से बच जाओ। और किसी से दुआ कराया करो जरूर, माँ बाप की खातिर गुनाह से बचो, औलाद की खातिर गुनाह से बचो, कि माँ बाप के आगे आप शर्मिंदा ना हो और तुम्हारी औलाद तुम्हारे बाद जन्नत डूब में ना जाए, इसलिए गुनाह से बचना। और कोई गुनाह ऐसा गुनाह नहीं अल्लाह तआला ने कहा जिसके अंदर खराबी ना, इसके अंदर खराबी है बुनियादी तौर पर, गुनाहों में खराबी है कि हम दूसरों के साथ वो अमल ना करें जो हम अपने साथ नहीं चाहते, अपनी औलादों के साथ नहीं चाहते। अल्लाह तआला मेहरबानी फरमाता है, इसी से तौबा करने के लिए हम इकट्ठे होते हैं। और कोई लंबा चौड़ा इल्म की जरूरत को नहीं, इस्लाम के बाद कलमा पढ़ लिया, अब इल्म क्या चाहिए हमें, इल्म तो नहीं चाहिए हमें, शुक्र करो कि इल्म नहीं चाहिए हमें, सिर्फ मतलब एक दूसरे का साथ चाहिए, संगत चाहिए, आसरा चाहिए, और बोले में हम उस पर चलने की तो भीड़ चाहिए, इस्लाम के ऊपर चलने की, इस्लाम में वाजबी वाजबी का अमल चाहिए, सारा सी जिंदगी हमें बसर होनी चाहिए, और लिबास के नीचे सारे बराबर हैं बाबा, लिबास का ही फर्क है, अंदर से सब बराबर है, अंजाम तो मतलब वही है कि वो ले सांस भी आज तक नाजुक है बहुत लाम, आप पाक की इस कार गए शिक्षा गरी का, जिस सर को गुरूर आज हजात आज गरी का, कल चोर उसी सर पे है फिर दोहा गली का, आप पाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा रहा हमें यहाँ हर सफरी को, सारा रस्ते जिस मां घर को ना जो मिला, और बुढ़िया रो रही थी मेरा मकान सुनाई थी, रोती जा रोती है भाई रोती क्यों है, कह रहा वो मेरे कश्मीर ले गया मुझसे, रोने वाली क्या ले गया, कहती रोने वाली बात है, ले जाता तो कोई बात नहीं थी, वो छोड़ के फिर वहां आगे गायब हो गए मर के नहीं जाते, बस हम ये कुछ करते हैं यहाँ से सामान उठाते हैं उसको वहां घर जाके रखते हैं कुइयों की तरह, और आप गायब हो जाते हैं, बस खुद हम चले जाते हैं, आप लोग कहाँ चल जाते हैं थोड़ी देर के बाद, बंदे गायब हो जाते, कभी पुराना गांव आप जाके देखते ना अपने गांव शहर सिटी और बस्ती में बंदे ढेर ढेर होंगे और आपका बंदा वाका को नहीं रहेगा, वही डाक वही दरख्त वही, और पुराने लोगों में से कोई आदमी नहीं होगा, अब तुम कबरना मौसल को बड़ा, हमें बड़ों की मौत ने बड़ा कर दिया, कल की बात है बल्ले में कि हम छोटे होते थे और आज क्या है, कब्र ना मौत कब्रा, हमें बड़ों की मौत बड़ा कर, अब हम बदले खुद ही अब्बा जान हो गए लोगों के, वो बेटा करने वाला कोई ना ना बजली थी कहानी होती, जब बेटा करने वाला कोई ना होते फिर तुम बड़े हो गए, अब ये वक्त भी नहीं रहेगा कि तुम्हें माफ करने वाले, तुम्हें माफ ही करेंगे, ये भी छोड़ते जा रहे फिर, अब दुआ करो अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए, क्या तौफीक अता फरमाए, अपने रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अपने महबूब से असर की मोहब्बत अता फरमाए, या रब्बुल आलमीन तू खुद ही हमें पर मेहरबान है, हमें शुक्र करने की तौफीक अता फरमा, और तेरी मेहरबानी पर हमें मत शुक्र है या रब्बुल आलमीन, इस परेशान दौर के अंदर हमें आपकी अता फरमा, और हम इसको नेकी करने की तौफीक अता फरमा, समाज के अंदर नेकी हम कर सके या रब्बुल आलमीन, इतना ही गुनाह से बचा, इतना ही सजा से बचा, صلى الله عليه وسلم